पता चलेगी हमारी बायोलॉजिकल एज कि हमारी उम्र तो जो है वो है, लेकिन उसके अलावा हमारी शरीर की क्या एज है वो अभी हमें पता नहीं। एज वैसे तू है अभी 45 का, पर तेरी बॉडी की एज होगी 95, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है मेरी बायोलॉजिकल एज 40 तक आएगी और तेरी आएगी 70। हुण कट देने दिन नहीं हो कट दी है रात, रंजा चला तेरे पीछे बस मांगे तेरा साथ। गुड मॉर्निंग गाइस, इट्स अ न्यू डे। मम्मी आपने मिस कर दिया, एक बार फिर से कर। एक बार फिर से मैं इसीलिए भागी भागी आई। मैम ने बोला एक ही बार, तेरा हम स्पेशली दो बार करवा देते हैं। बर्फ के पानी में इसके पैर डलवाए। हाँ। भाई से 10 सेकंड ने रखे। एक मिनट दस सेकंड रखे मैंने। और उन्होंने ये बोला कि ये आइस थेरेपी जो होती है वो हमारे एनर्जी लेवल्स को 3 times इंक्रीज करते दिन में। तो तेरे को तो बहुत जरूरी है, रोज करना चाहिए और स्लीप क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। कम डाउन, ऐसी शक्लें बना रहा है तब से। बहुत खतरनाक है वही, मजाक से रहे। एक ही बार कर सकता हूँ मैं एक दिन में? तो एक बार ही करनी होगी ना। एक बार नहीं, दो बार भी ठीक है। ये जिंजर टी मिली है हमें। आसान नहीं है भाई। मम्मी चलो आ जाओ आपकी बारी। भाई सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो हमारी मम्मी है। मम्मी कितने मिनट, कितना, हाउ मच टाइम डन? 2 minutes। 2 मिनट से ज्यादा हो चुका है मम्मी का। और वो देखो 20 सेकंड करा था इसने, ये 2 मिनट कर दिया मम्मी ने। मम्मी तेरे से कितनी ताकतवर है भाई। बहुत ज्यादा भाई, माँ माँ है, माँ दुनिया में सबसे ताकतवर होती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। भाई दोनों अब तो तू थोड़ा ज्यादा अपना टाइम बढ़ा ले, 20 सेकंड। I will do। मम्मी 3 मिनट कर लेगी। 3 मिनट करूंगी मैं। चलेगा अभी। दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा माँ होती है। After 3 minutes adopted। वो कह रहे 3 मिनट अगर कर लिया तो उसके बाद आप कितनी देर भी कर सकते हो, आपकी बॉडी मान जाएगी। 2 minutes 30 seconds over। भाई साहब वो देखो वहाँ पर उसके साथ टेंशन हो गई, ये हुआ क्या है? मैं तो 30 seconds भी नहीं हुआ। ये इसका हाईएस्ट 25 seconds था, वो भी तीसरी बार में। पापा आप कितनी देर कर लोगे? पापा मेरे जितने हैं, 25 seconds। यस मम्मी वेरी गुड, 3 मिनट पूरा कर लिया आपने, कॉन्ग्रेट्स। हो तो आप ताकत हो दीदी, क्या बात है। वो उधर उसको विश्वास नहीं हो रहा। क्या मैं तो 25 सेकंड पे था बस। ओह नाइस, डन 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 डन, सुपर नाइस, गुड, वेरी गुड। आई विल ऑल्सो ट्राई वंस अगेन। अब तू रेड देते से ना पाएगा। आपसे मोटिवेट होके एक बार फिर से 3 2 1। उन्होंने डलवाया था ना, यहाँ तो अब पैर अडॉप्ट हो गए हैं, अब इतनी देर से रखा हुआ है। 40 सेकंड डबल तो हो गया भाई। चलो। एक मिनट हो जाएगा, देन यू टेल मी सभी आई टेक आउट। Right. पापा को तो ये ले देना, ये वाली पापा को लेके दो। एटलीस्ट चुप तो रहेंगे सारा दिन, ये करेंगे तो बीपी भी मेंटेन रहेगा। ये जरूरी है घर पे लेके चलना। वो देख बस। 1 minute 30 seconds। उन्होंने भी 3 मिनट पूरे कर लिया। सबसे कम किसने किया है? अब्बू ने। तूने चार, मेरा 1 minute 20 seconds फर्स्ट टाइम में ही, बस मैंने एक ही बार करा, उसके बाद तो ऐसे ही कर रहा था, उसने 20 सेकंड। ओके, तो अभी हम आए थे ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट में हमें मिला है हेल्दी फूड, ये एवोकाडो, ये जूस, और ये पूछ रहे ये क्या है, यही मिलेगा लेकिन अभी तुम ये पी के दिखाओ। पियो, बता सकते हैं किस चीज का जूस है? जूस ये तो पी सकते हैं,
पूरा एक बार में पी गए, तू पी के दिख। जो 25-30 साल आपके साथ रह लिए वो एक करेले का जूस तो पी सकते हैं। बात तो सही है। कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आई क्या है, बट ठीक है। तू तो पी के दिखा। ये बात बोल के पापा खुश हो गए। हाँ, तो उनको ही तो तू खुश करता है हमेशा। तो व्हाट्स अप गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं, खाना भी खा लिया है, अब हम जा रहे हैं। हमारे होने वाले हैं टेस्ट बहुत सारे, फिजिकल एग्जामिनेशन। अभी पता चलेगी हमारी बायोलॉजिकल एज, कि हमारी उम्र तो जो है वो है, लेकिन उसके अलावा हमारी शरीर की क्या एज है वो अभी हमें पता। एज वैसे तू है अभी 45 का, पर तेरी बॉडी की है जो कि 95, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है मेरी बायोलॉजिकल एज 40 तक आएगी और तेरी आएगी 70। मेरी बायोलॉजिकल एज 16 होगी, मेरी बॉडी तेरी बायोलॉजिकल एज 70 आएगी, पापा की बल्कि 15 आएगी। 15 तो सुबह ही पैदा हुए हैं। मम्मी की तो सुबह सुबह वाली एज आएगी। बॉडी नहीं देखी मेरी। अरे बॉडी से ना बड़े है। अरे कड़े के ला भाई, बॉडी से ना गलत गलत फैमिली में ना रह लिए। अभी पता चलेगी तने बायोलॉजिकल एज। पर सही बताऊं, मजा बहुत आ रहा है। सुबह सुबह अच्छा अच्छा खाना मिल रहा है, रात को अच्छा खाना मिल रहा है, एंजॉयमेंट है लाइफ। खाना तो बहुत अच्छा है, हेल्दी हेल्दी मिला है। और लोकेशन देखो तुम, आ हा हा क्या बात है, पसंद आ गया मेरे को, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है, दोनों सुन, सबसे बड़ी बात ये है, सोए थे 10:30, सुबह उठ गए 8:30। मम्मी तो खुशी हो गई, मम्मी तो कह रही है इस कैंप के चलते हो, चलो मेरे बच्चे का कम से कम टाइम पे सो के टाइम पे तो उठे हैं। अगर रियलिटी में तुम सुबह रात को 10:30 सो जाओ और सुबह 6-7-8 बजे तक जागो, अपने आप ही फिट जाओगे, 10 साल और उम्र कम हो जाएगी। क्या बात है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आईवो पे और यहाँ पर अब सारे टेस्ट होने वाले हैं। और फाइनली यहाँ पे लिखा देख क्या है, टू लिव रिच ईट रिच, यू डोंट नीड टू बी रिच। ओके मम्मी, ईट बी रिच करो, ईट बी रिच। अरे वो काटे, वाह यार बहुत फनी है यार तू, अब देख ना आई वो काटे। मेरा अभी सारा फिजिकल स्ट्रेंथ चेक हुई है और मैं समझती थी मैं योगा करती हूँ तो मेरे में तो बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन यहाँ पे सारा योगा खत्म हो गया। अभी पता चला कि कितनी फिजिकल हमारे में स्ट्रेंथ है। और अब मैं आई हूँ यहाँ पे डेंटल, अभी मेरी डेंटल स्क्रीनिंग होने वाली है और ये मैम चेक करेंगी। मीनवाइल मेरी हाइट टेस्ट होने लगी है। सेंटीमीटर कितना होता है फीट में, अभी कन्वर्ट करके बताता हूँ। चलो भाई आज तो प्रूव हो गया कि भाई की हाइट 6'1.6", यानी कि क्लोज टू 6'2" है। ये तो अभी हमारा होने लगा पोस्चर टेस्ट, कि हमारा पोस्चर कितना सही है। नॉर्मल तो मैं ऐसे ही खड़े होता हूँ। Whole facing this side. तो ये जो पोस्चर टेस्ट हुआ है इससे पता चलेगा कि मैं कितना सीधा खड़ा होता हूँ, कितने मेरे कंधे झुके हुए हैं, कितनी मेरी गर्दन सीधी रहती है, टेढ़ी रहती है। ये देखो सारी डिटेल्स आ चुके हैं यहाँ पे। एंड वैसे इन्होंने बोला कि मेरे हेड का वेट है 6.8 kg, लेकिन मेरे पोस्चर की वजह से इफेक्टिव हेड वेट है 12 kg, ऑलमोस्ट डबल, मतलब ग्रेविटेशनल पुल और ज़्यादा पड़ रही है, तो इसीलिए मेरी गर्दन में पीछे दर्द होती है, डर लग रहा है। पापा के मशीनें लगा के व्हाट्स गोइंग ऑन, वैसे एब्डोमन स्कल्ट। अच्छा, सो आई थॉट अल्ट्रासोनोग्राफी हो रही है टू टेस्ट इफ बेबी, व्हाट डज दिस हेल्प विद। ओ पापा फैट कम करने के लिए हो रही है ये, मेरे को तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी। स्ट्रेंथन योर कोर मसल्स आल्सो, स्ट्रेंथनिंग कोर मसल्स, सो बेसिकली आई कैन गेट सिक्स पैक विद दिस। या या ओके पापा, आपकी भी एब्स आने वाली है अब ये। नहीं बट इससे क्या होगा, ये यहाँ की थोड़ी सी फैट जो है वो लूज होगी और स्ट्रेंथ हो जाएगा, एकदम तगड़ा हो जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है इसकी, अगली बारी मेरी है। मजा आ रहा है, बताओ तो सही मजा आ रहा है कि नहीं।
ही विल टॉलरेट एनी पेन, उनको दर्द नहीं होती. यू नो इन बॉलीवुड देर इज वन फेमस लाइन, मर्द को दर्द नहीं होती. ही टेक्स इट सीरियसली. Even if he will feel pain, bolenge nahi. Never, no pain, no pain. अभी अगली मशीन पे बैठे हैं पापा. इस मशीन से क्या होता है? I have a pelvic sculpt. It will improve pelvic floor muscle strengthening and reduce urinary incontinence. Pelvic is this region, yeah, right? Yeah. The hips region. Yeah. It will improve bowel and bladder function. Okay. Bowel and bladder. Yeah. मतलब समझे क्या? गॉल ब्लैडर. हाँ नो गॉल ब्लैडर ना यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर या गॉल ब्लैडर. सही है सही है. मजा आ रहा है मशीन में? मजा आ रहा है. ये बताओ यार. अरे मजा आता मजे. अभी ये यहाँ पे जो मशीन थी इस पे तो पापा मजे में सो गए थे एकदम. हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रहा है मेरा. अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो. तुम दोनों को एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ. तुम यहाँ पे आए हो अपना हेल्प कैंप, पहले मीनिंग बताओ. AIWO, आईवो का मतलब क्या? क्या फुल फॉर्म पूछते हैं? हाँ, क्या क्या है? ऑल इंडिया वेलनेस ऑर्गेनाइजेशन. नहीं तो इसका क्या मतलब क्या है? आईवो काटे. मैंने अभी पूछा उनसे आईवो का क्या मतलब. अपनी पूरी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान देना. उन्होंने मेरे को बताया, कहते सेल्फ लव, सेल्फ केयर, कि हम सबके साथ प्यार करते हैं, सबकी टेक केयर करते हैं. सही कह रहे हो. आप अपने से प्यार करो, पापा किसी और से कर लेंगे. वो पति आपके किसी और के साथ तेजी से चले जा रहे. कोई बात नहीं, कर लेने दो उनको. ये देखो तेरा यकीन क्यों. अभी यहाँ पे ये कह रहा मैं बहुत स्लीपी फील कर रहा हूँ, टायर्ड हो गया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे हो रही है फुट मसाज. वे हुए. अब तो मैं सो रहा हूँ. हाँ अब तो सो जा. अब ये ले अपनी जैकेट. जैकेट ऊपर ले ले. बहुत बढ़िया. वो तो उसको तो टायर्ड हो गया था, वो स्लीपी फील कर रहा था. तो तेरे को क्या हुआ? तू क्यों बैठ गया? हाँ निश्चय वाला. तेरे को भी याद होता है ना फुट मसाज. उन्होंने पता क्या बोला है? मॉम एंड डैड फुल एनर्जेटिक, ये बच्चे जो हैं ये जल्दी टायर्ड हो जाते हैं. 20 मिनट्स लेटर. ये कौन सा टेस्ट है? ओ यहाँ पे पैर बांध रहे हैं इनके. और दिस इज कॉल्ड ईगोस की टावर. It will help to reduce the hip flexor tightness and it will strengthen your low back. There is a muscle which will get activated. Okay. Okay. Pressure डाल के बांध दिया, बस ऐसे रखनी है legs. जैसे डॉगी को बांध देते हैं. इधर मेरा कौन सा टेस्ट हो रहा है? ये है, ये देखो. इन पे हमने फुट बैलेंस करना है, देखना है कि बैलेंस कर पाते हैं कि नहीं. इतना प्रेशर डाला कि वो टूट गया. इतना जोर से प्रेशर डाला मैंने. देखने में बहुत इजी लग रहा है लेकिन पसीने आ गए मेरे को करते करते. ये तो अभी मैंने ये बैलेंसिंग वाली करी थी और अब ये देखो मेरे पाँव पे ये स्ट्रेंथनिंग बैंड बांध दी है. तो ये पहन के हमें चलना है कि हम कितना चल सकते हैं. तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी इलास्टिक डाल दी है मेरे पैरों में. अरे ये कैसे चलूं? प्रेशर देना है. प्रेशर दे दे के चलना है. उधर मल्लन साहब के पैर बांधे हुए हैं, उनको कैदी बनाया है. इधर मेरे हाथ बांध दिए. हम दोनों वो तू इस पार मैं उस पार. वो देखो वो सो भी गए वहाँ पे. आगे अपने पोज में फिर विष्णु जी के पोज में. मैं थोड़ा नींद में हूँ. एक बार ना तू वो करके दिखा जो मैंने अभी करा है. बैलेंस करेंगे. बैलेंस पर अभी तो नींद बहुत ज्यादा आ रही है. अब चाहिए स्पा. स्पा मैं बुक माय स्पा इन द होटल प्लीज. वो कहाँ है पापा? वो हाँ दूसरा कहाँ है? दूसरा वो तो नींद में है. मेरे यहाँ घुटने में बहुत ज्यादा पेन होता है तो ये अब घुटने का ट्रीटमेंट कर रहे हैं. ये देखो मेरा पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा बांध दिया है. आइस थेरेपी है
इससे कह रहे हैं कि घुटने में जो पेन है, जो भी इन्फ्लेमेशन है, वो सारी ठीक हो जाएगी। ये ऐसे पंप लगा हुआ है, सुबह बर्फ़ के पानी में पैर डलवा दिए थे, अब ये बर्फ वाला पूरा इस पे बांध दिया मेरे। तो गए इस पूरा दिन हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, ओ माय गॉड पूरा शरीर ऐसे टूट रहा है। क्या कहना चाहेंगे ट्रिगर्ड इंसान भाई? ऐसा ना पहली बार हो रहा है कि अभी 9 बजे और इतनी भयंकर नींद आ रही है। नींद आ रही है माँ पापा, आपको नींद आ रही नहीं आ रही? मतलब आज का दिन था बहुत, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ एक्सरसाइज करी है, फिर फुट मसाज भी हुई है, सोना स्टीम जकूजी वोजी, फिर शरीर इधर उधर से तोड़ फाड़ आपको के। आपको एक बात बताऊं, ये सब हमारे ना एक्चुअली ट्रीटमेंट चल रही है, तो ये एकदम 5-स्टार ट्रीटमेंट है और एकदम 5-स्टार होटल में ही हो रही है। हाँ, और जैसे हम पहले तो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं ना, डॉक्टर के जाना और वहां पर जाकर चेकअप कराना, यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं हम लोग और खाना भी बड़ा अच्छा अच्छा मिल रहा है और हेल्दी, सबसे बड़े हेल्दी और स्टाफ इतना बढ़िया है इन लोगों का, स्टाफ इतना केयरिंग केयरिंग। हाँ और मजा ही मजा, तारीफें कर दो मम्मी और तारीफें कर दो और दस किन्नियां तारीफा चाहिए। और अगर आपको भी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है तो चेकआउट आईवो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वाओ मम्मी शाउट आउट दे दिया, चेकआउट आईवो, बाय गुड नाइट। लंगड़ना रात लंगड़ तेरे इश्क चेचना।